Hey guys, subscribe to Siddharth Karan's YouTube channel now before it's too late. Sidhanshu bhai, the latest hit jodi on television, Rupali aur Sidhanshu. In fact, my manager ne mujhse kaha, tumhare dono dost chha rahe hain, number one show on television. Kya Sidhanshu, tumko waqai mein lagta hai ki ye show ne tumko ek naya lease of life diya hai? Honestly. I don't know if I should call it a new lease of life. I have been working nonstop for all these years, but I would definitely accept the fact that what Anupama has done for any one of us, whether it is even for that matter, Rajan Shahi, I think and he would not deny the fact that the kind of popularity this show has gained, it is unforeseen. And my personal analysis has always been one that it's a story of a very, very beautiful middle class family where every character is probably relatable to one or the other person from every middle class family, which is the largest section of our country. And every family has that one person who's able to relate to this one person in the Shah family, the Van Raj Shah family. So I think it's just such a beautiful thing that probably all of us were blessed enough for the whole thing to fall in place the way it has. And we are just there on top, and God has been very kind. People have been very kind in giving the kind of love and appreciation that they. I think the reason this show, Thu did so, is doing so well, is because Harik, अपने आप को आइडेंटिफाई करता है अनुपमा से, बिकॉज हम सब हमारे घर में हमारी मम्मियों को वैसे ही देख के बड़े हुए, वो साड़ी क्लैड, चाहे वो कॉटन की साड़ीज, और शायद हमारी मम्मियों के पास कभी समय नहीं होता था कि जिम जाए या कुछ जाए, तब जिम का इतना फैशन भी नहीं था शायद. आर द काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग दैट वी हैड एंड एवरीथिंग कनेक्टेड टू दिस कैरेक्टर विच वॉज अ हाउस वाइफ, जो आज तक मतलब हमने शायद ही अप्रिशिएट उतना ज्यादा नहीं किया है. तो हाँ, आई थिंक ये शो में सभी को अपने घर में से कोई ना कोई दिखाई दिया, और इसीलिए लोगों ने कनेक्ट किया, और भगवान करे ऐसे ही दिखता रहे और चलता रहे. क्या बात है, सारी मम्मियों को हम सभी की ओर से ढेर सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव. पर बताओ सुधांशु भाई, रियली डंकी की चोट सवाल, कभी कभी इनसिक्योरिटी होती है, डू आई नो maybe or certainly not a guy like that, ki yaar Rupali center stage le rahi hogi, aisi kabhi thoughts aati hai kabhi kabar? When Anupama began with the name Anupama, if I were to feel insecure, I would have felt it then, you know, because obviously people get this perception ki are show ka naam Anupama hai, aur maine logon ko bola ki I am playing the male lead in Anupama, to baad mein mujhe khud confusion hua ki main अनुपमा में मेन लीड कैसे हो सकता हूँ जब शो का नाम अनुपमा है एंड आई एम नॉट अनुपमा. बट हैविंग सेड दैट, आई डोंट फील इनसिक्योर एट ऑल, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट आई यू नो दैट विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय एनीबॉडीज माइंडसेट, एनी ह्यूमन और एनी एक्टर्स माइंडसेट कंप्लीटली इफ यू स्टार्ट टू गेट इनटू दैट और गो इनटू दैट डायरेक्शन ऑफ इनसिक्योरिटी. क्या बात है. अच्छा, पर पहले मुझे बताओ, इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद, योर लास्ट स्टिंट इससे पहले रूपाली वॉज साराभाई वर्सेस साराभाई सीजन 2, ओके, जो 2017 में था. हाँ. उसके बाद आपने गेस्ट अपीयरेंस किया था इन अनदर सीरियल टू प्रमोट अनुपमा, बट 2017 से 2020 के बीच में, बिफोर अनुपमा केम, देयर वाज अ पीरियड जहां आप काम बिल्कुल नहीं कर रही थी, आफ्टर साराभाई वर्सेस साराभाई सीजन 2. वो 7 साल जो गैप था, वॉज इट बिकॉज वो कॉन्शियस गैप था, या ये गैप था क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री या इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, काम देती है एक दिन, दूसरे दिन काम नहीं देती है, आपको सक्सेस दिखाती है, अगले दिन आदमी को समझ नहीं आता है कि अगला रोल आ रहा है कि नहीं. वॉट वॉज द रियल कॉज? नहीं, टचवुड, सिर्फ कभी भी ऐसी इनसिक्योरिटी भगवान की दया से ऐसी हुई नहीं. आई ऑलवेज काइंड ऑफ लक्ड आउट बाय गेटिंग वर्क दैट ऑलवेज डिड वेल, चाहे वो साराभाई हो, संजीवनी हो, परवरिश हो, या जो भी हो. बट ये कॉन्शियसली एक डिसीजन था ब्रेक लेने का, बिकॉज मैं, बाकी सबके एम्बिशंस होते हैं लाइफ में, मेरा एम्बिशन था शादी करना और बच्चा पैदा करना, तो ये मेरा एम्बिशन था लाइफ का. And finally, I was getting to be a mother. And after a lot of issues, ke matlab nahi ho sakta, you know, having a child was difficult and everything. Uske bawajood, when I was becoming a mother, mujhe aur kuch chahiye nahi tha.
लाइफ में. सो आई वाज कंटेंट जस्ट बीइंग एट होम. एंड अगर शायद अनुपमा नहीं आता तो मैं और भी लंबा ब्रेक ले लेती. ऐसा नहीं था कि मैं एक्टिंग मिस कर रही थी. मैं नहीं, मैं आई थिंक मैं भूल ही गई थी कि मैं एक्टर हूँ. You know, रूपाली, आपने एक बहुत सॉलिड लाइन कही थी. Okay, and I want, if you want, you can express that. You said you went through a lot of trauma in your delivery, pregnancy. Am I right? Was it that the case? Not during pregnancy, not during delivery, but conceiving. Because I had thyroid issues, major thyroid issues. And your fertility count does go down and everything. So there were issues. And yes. I did consult a lot of doctors, but my son is no less than a miracle for me. So I was happy being home. Nikal ke ghar. You know, Sudhanshu, that's a very interesting point. ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि youngsters, young actors shine करते हैं. जो older actors हैं, उनको बहुत restricted roles मिलते हैं. In fact, आजकल देखा जाए, youngsters को ही माता पिता बना देते हैं, grey strands डालकर ये सब करके. In fact, both of you are like Ram Kapoor and Sakshi Tanwar और बड़े अच्छे लगते हैं. What do you have to say about this major complaint जहाँ पे seasoned actors जो शायद 40 plus हो, उनको उस तरह का किरदार मिलता नहीं और यंगस्टर्स के लिए सब चीज लिखा रहता है. सुधांशु, माय ओनली थिंग वाज दैट इफ आई डू टेलीविजन इट हैज टू बी समथिंग वेयर आई कैन सी माय सेल्फ यू नो फिट इन प्रॉपरली बिकॉज आई नेवर सॉ विद व्हाटएवर टेलीविजन आई यूज्ड टू सी आई नेवर सॉ माय सेल्फ फिट इनटू एनी ऑफ दीज कैरेक्टर्स और रोल्स दैट आई वुड सी ऑन टेलीविजन. हैविंग सेड दैट, like I said, that there's always going to be a change in the trend at some point in time because people do, with every 3 to 5 years, there is a generation change, you know. So this creative process is such a process where you have to keep evolving with times and with the change of the mindset in the society. And therefore, I think a show like Anupama, which has main leads, which are 40 plus, and it has worked better than any other show where you have young star cast or very, very young star cast or whatever it is, you know, it has worked way beyond anybody's expectation. And now, because of this success that the show has shown to everybody else, people are making shows with a star cast, which is very similar to ours, you know, where you have some people who are seasoned actors and they are doing very pivotal roles or main leads or whatever. And that's how I believe it should be, because today you see each and every episode and we've been faring very, very well on the TRP charts or whatever. However much people say, ki, are, it doesn't matter, ki, are, TRP, are, and nahi, are, it doesn't matter. But end of the day, it is what that matters, because that is also telling you that people are loving it to an extent. They are, because people are crying for Anupama to obviously, but people have cried for Vanraj also when he was in a bad state. So there is the dynamics in this show is unbelievable.